जब होता है कि एक बिल्डिंग में सिर्फ मुस्लिम्स को ही फ्लैट दिया जाएगा, या कोई बिल्डिंग में मुस्लिम्स को फ्लैट नहीं दिया जाएगा, सिर्फ हिंदूज रह सकते हैं, एक तरह का घेटो बन गया है, एक तरह का ग्रुपिज्म बन गया है. इट्स लाइक अ कंट्री विद इन अ कंट्री. मैं खुद एक अभी मुस्लिम एरिया में रहती हूँ, जोगेश्वरी में रहती हूँ. व्हेन देयर आर इंसिडेंट्स लाइक जस्ट देयर वाज एन इंसिडेंट वेरी रीसेंट एट द आज़ाद मैदान, तो आई डू फील लाइक यू नो बीइंग स्टेइंग इन अ मुस्लिम एरिया रियली रिकॉल्स फॉर सेफ्टी ऑफ माय ओन सेफ्टी, माय डॉटर्स सेफ्टी और माय फैमिली सेफ्टी. बल्कि ये जो मेरी फीलिंग है, मैं सेफ फील करती हूँ, तो ये फीलिंग सही नहीं है. क्यों नहीं एक हिंदू आकर यहाँ रह सकता, या मैं क्यों नहीं जाकर एक मलाड जैसे एरिया में रह सकती. देर आर लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस लाइक यू नो रोज़ा रखना ही ज़रूरी है या नमाज पढ़ना ज़रूरी है. है ज़रूरी, ये बात सही है, पर लोगों में जैसे एक एक्सेप्टेंस आ गया है. द मुस्लिम कम्युनिटी डज एक्सेप्ट, इट्स नॉट दैट वेरी रिजिड, इट्स नॉट दैट वेरी ट्रेडिशनल. तो ये सब एक मिसकंसेप्शन है लोगों के मन में, लोगों के ख्यालों में एक मिसकंसेप्शन है. आप किसी की तरफ जब देखते हो, फिर भी अगर कोई रास्ते से जा रहे हो, आप ऐसे पहचान सकते हो कि वो इंसान किस रिलीजन को? हाँ, रिलीजन को थोड़ा समझता है कि वो ऐसे रिलीजन को है, वो उसके रिलीजन को समझ जाता है. वी कैन जस्ट आइडेंटिफाई एनीवन बाय जस्ट लुकिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, पारसी लोग रहते तो लोग बहुत ज़्यादा ही गोरे, और जब वो फैट फैट रहते समझ जाते कि वो पारसी है. देख के ले पूछ सकते. जैसे हिंदू है तो लोग टीका लगा के तो समझ जाते हैं कि हिंदू है लोग, पर इतना नहीं पता चलता. और फिर जब मराठी लोग रहते हैं उन लोग की मुस्टाच से मुझे समझ जाते हैं कि उन लोग की मुस्टाच स्ट्रेट रहती है. '92 riots was something a very dark chapter in our history, and I hope it does not repeat again. ऐसा हो गया था, एक अजीब सा मंजर था. सड़कों पर खामोशी हुआ करती थी, घर से बाहर निकलने को डर लगता था. ऐसा लगता था जैसे पता नहीं कौन तलवार लेकर आ जाएगा, घर में घुस जाएगा. Suddenly a group of boys from the locality, they came and they just caught my brother and they started teasing him. Musalman bakra aa gaya hai, ab bakre ko khatam karna hai. Jab bhi kisi ki aahat hoti thi, jab doorbell bajti thi, tab dil mein ekdam se dehshat ho jati thi, dil mein dar baith jata tha, pata nahi kaun aaya hai. Ek logon se bharosa jaise uth gaya tha. We went out and at the notice board we had to scrap out our name, our surname. और उस वक्त तो ना मोबाइल था ना टेलीफोन इतना ईजी था, तो उस वक्त का मंजर बहुत बुरा था, बहुत खौफनाक था. हम हमेशा डरे हुए रहते थे, ना स्कूल जा सकते थे, हम तो कॉलेज में थे उस वक्त, कॉलेज बंद, ना कहीं आना ना कहीं बाहर जाना. We had to leave the Malad area and shift to a predominantly Muslim area. आपको बॉम्बे राइट्स के बारे में कुछ पता है? हाँ, बॉम्बे राइट्स अभी 1992 में हुए थे. बॉम्बे राइट्स के बारे में
वो अभी वो मुस्लिम लोग को मारते ना वो बर्मा बर्मा। हाँ पता है 1992 में हुए थे जब हमारी फैमिली मलाड में रहती थी। बॉम्बे राइट्स का मैं श्योर नहीं है। संजय दत्त जैसे मुस्लिम्स को हेल्प करता था तो वो हिंदू लोग को अच्छा नहीं लगा तो सब उस पर झूठे झूठे इल्ज़ाम डाले थे। उसने गन छुपाया है और ड्रग्स लेता है ऐसे। Your friend, Daddy. Arhama. She loves me. And your teacher. What did your teacher say? She was angry with us. Why? Why she was angry? Because we blamed the other class as it was our mistake. Okay. नहीं ऐसा। ओके ओके लाइक दिस। ओहो सो द डॉटर इज टीचिंग द मदर। आई ट्राइड वंस। अच्छा दिस वाज ओनली देयर। As my parents were working, so my grandmother used to stay with me, and she used to, you know, tell a lot of things about her childhood days. They were three sisters, and after the partition, one sister was migrated to Bangladesh, one sister migrated to Pakistan, and she was in India. And she still remembers every time she used to recollect her childhood days. And vaguely I remember my grandmother's sister came from Pakistan. I was in class 6th that time. And the way she was excited to meet her sister, the way she was, she started collecting things, you know, that I'll give this to her, I'll give that to her. उनका वीज़ा सिर्फ बॉम्बे का वीज़ा था और उनका जो घर है वो बिहार में था। तो यहाँ पर आकर भी वो अपने घर नहीं जा पाई। मेरे ग्रैंडमदर मेरी दादी की जब बहन के हस्बैंड ने तय किया कि हम बांग्लादेश जाएंगे या हम पाकिस्तान जाएंगे तो वो नहीं जाना चाहती थी, मगर फिर भी उनको जाना पड़ा, अपना वतन छोड़कर जाना पड़ा। और कैसे, तीन बहनें थीं, तीनों बहनों का पूरा बचपन टूट गया, पूरा बचपन यहीं पर रह गया। तो इस तरह से कुछ हुआ है। और मेरी बुक में भी मैंने ऐसे कुछ स्टोरीज, कुछ इंसिडेंट्स डाले हैं जब जो कोई नहीं जाना चाहता है, छोड़कर नहीं जाना चाहता है, मगर हालात ऐसे हो जाते हैं कि उनको जाना पड़ता है। राइट्स के बाद जब हमने भी घर छोड़ा, मलाड का घर छोड़कर हम जोगेश्वरी आ गए, तो ये सब चीज़ें जो है मैंने अपनी बुक में भी डाला है। बॉम्बे राइट्स हुए थे और जो पार्टीशन हुआ था, उन दोनों को मैंने एक कड़ी में जोड़ा है। पार्टीशन बहुत बड़े पैमाने में था जहाँ पूरा इंडिया, पूरे भारत को वहाँ पर फ़र्क पड़ा था, और बॉम्बे राइट्स जो हम बॉम्बे के लोग थे, मुंबई के लोग थे, हम लोगों को ही हमारी ज़िंदगी इधर उधर हो गई। उस वक्त मुझे लगा कि हाँ, मैं एक भारतीय नहीं हूँ, मैं एक इंजियन नहीं हूँ, बल्कि मैं एक मुसलमान हूँ। आई एम अ मुस्लिम। Suddenly some people they turned hostile and I wanted to highlight this. मैं चाहती थी लोगों को पता चले। आज का दिन
आज का दिन क्या है? 15th August. हाँ, 15th August is Independence Day. What do you mean by independence? If I ask independence का मतलब क्या है? आजादी. आजादी, ठीक है. तुमको क्या लगता है? फ्रीडम है? तुम लोगों को है फ्रीडम? अब हम बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की, ठीक है? अब तुमको क्या लगता है, जब भी तुम पाकिस्तान का नाम सुनते तो क्या फील करते हो? क्या गंदा? मम्मी, ऑल आई लाइक अबाउट पाकिस्तान इज वी आर जो टेररिस्ट, दे डोंट सी अस एज अ गुड लुक विद गुड इंटेंशन. गुड इंटेंशन. तुमको आते हैं कभी कोई कमेंट किया साथ? मेनी टाइम्स पीपल हैव कमेंटेड लाइक दे से दैट पाकिस्तान इज लाइक अ सेपरेट इस्लामिक लाइक अ प्लेस वेयर मुस्लिम्स लिव, सो यू शुड गो देयर, नॉट इन इंडिया. इंडिया इज फॉर द हिंदूज, सो दैट व्हाट इज. अच्छा, इसी के रिलेटेड एक स्टोरी है. हम एक स्टोरी बोलेंगे. ये स्टोरी हमने खुद लिखी है, एक नॉवेल फॉर्म में है. हाँ, माई सॉइल माई सोल. तो ये स्टोरी है दो फ्रेंड्स की. ओके, अब फ्रेंड्स रहते हैं इंडिया में. इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिया पाकिस्तान क्या थे? एक ही कंट्री थी. हाँ, एक ही कंट्री थी, है ना? पार्टीशन. हाँ, फिर बाद में क्या हुआ? पार्टीशन हो गया तो दोनों फ्रेंड्स क्या हुए? अलग हो गए. तो इंडिया से एक फ्रेंड चली गई पाकिस्तान और एक फ्रेंड रह गई इंडिया. आमिना और रुक्मिणी, आमिना को इतना मदरलैंड से प्यार होता है, वो क्या करती है? वो इंडिया की मिट्टी, इंडिया की मिट्टी लेकर जाती है. Real story. This is a real story. It is based on a real story, but not thoda bahut real hai, thoda bahut alag hai. Fiction or non-fiction, dono hai. This is Darshana. This is Devang, Bhavesh, Miss Parul. Parul. So much changed. Na? Yeah. This is your mama. रुक्मिणी और आमिना, तो वो दोनों लड़कियाँ, उनमें मुझे मैं और मेरा बचपन और पारुल का बचपन साथ में दिखाई दिया. पारुल वॉज माई फ्रेंड फ्रॉम नर्सरी ऑनवर्ड्स. आई रिमेम्बर वी यूज टू सिट ऑन वन बेंच, सो ऑल द टीचर्स न्यू कि अगर पारुल नहीं आने वाली तो फरहाना भी नहीं आएगी, फरहाना नहीं आने वाली तो पारुल भी नहीं आएगी. और ऐसा होता था कि जब पारुल को हाफ डे जाना होता था तो उसकी मम्मी मेरे लिए भी रिक्वेस्ट किया करती थी टीचर्स को कि फरहाना को भी हाफ डे भेज दो. सो इट वॉज दैट काइंड ऑफ बॉन्ड, इट वॉज दैट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप. आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो अदर रिलीजन को बिलोंग करते हैं? हाँ, मेरे बहुत क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं, हिंदू फ्रेंड्स हैं, मुसलमान फ्रेंड्स हैं, सब टाइप के फ्रेंड्स हैं. साई वंशी हिंदू, क्रिश्चियन एक है और मुस्लिम भाई है. सारा क्रिश्चियन? हाँ, बहुत सारे हैं. हाँ, स्कूल में ही है, बिल्डिंग में तो सब मुसलमान ही रहते हैं. फुरकान इस्लाम. आई हैव 3 friends, दे आर क्रिश्चियन. ऐसा लोग बोलते हैं कि हिंदू लोग नहीं अच्छे होते, मतलब वो रिलीजन में लिखा है कि वो काफिर है, उससे बात नहीं करने का. पर अब आई फील इट्स ऑल रबिश, यू शुड नॉट डू इट. ये मम्मी, मम्मी ऐसे काजल लगे ना, मन क्यों लग रहा है? सब इनोसेंट चेहरा एकदम. ये कौन है? पीछे अमित, अमित मामू कितने क्यूट हैं.
ये भी वहाँ का चेकअप देखो शेखली। जब हम मलाड में थे एक अलग तरह का आनंद हुआ करता था, एक अलग तरह का माहौल होता था। मलाड में हम हर तरह के लोग देखते थे, हर तरह के फेस्टिवल मनाते थे, दिवाली मनाया करते थे, ईद मनाया करते थे, राखी, होली, गोविंदा। I'm really sad to know that my daughter, who's been born and brought up in a Muslim area, she doesn't know how to play garba, she doesn't know how to play with colors, she's not aware about that Govinda festival where we have the handi and people climbing and, you know, breaking the handi. So I feel sad. मैं सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करती हूँ, होली, दिवाली, ईद, बकरीद सब। मैं बकरीद, ईद, दिवाली और होली। यहाँ पे तो खाली ईद और बकरीद के अलावा कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करने देता तो है नहीं, बट स्टिल दिवाली और होली मनाते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं। होली, बकरीद, रमज़ान और बासीद और दिवाली। It's a fact that he was denied a job because of being a Muslim by a very famous newspaper in Mumbai. He was a fresh journalist, he had done a diploma in journalism, and it was just a shock to us. My brother just got the answer that the management is not very keen to employ any Muslim in their company. अभी पिछले हफ्ते की बात है, हम एक घर देखने गए थे तो हमसे कहा गया है वो एक हिंदू फैमिली का घर है और वो हिंदू फैमिली एक हिंदू फैमिली को ही बेचना चाहता है। आपके हिसाब से कितने गॉड्स हैं? अनलिमिटेड नहीं, 365 एक ही गॉड, मतलब सबका। क्रिश्चियंस जीसस को मानते हैं, मुसलमान अल्लाह को मानते हैं, हिंदू हनुमान गणेश ऐसे अपने भगवान को मानते हैं। मेरे ख्याल से ये पूरे दुनिया में 10,000 के ऊपर गॉड है, क्या ये पूरे वर्ल्ड में रिलीजन भी इतने सारे हो तो गॉड भी बहुत सारे होंगे। औरंगजेब बिकेम द एम्परर इन AD 1658। एट दिस टाइम द मुगल एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ, अहमदनगर इन द साउथ एंड काबुल इन द वेस्ट, टू बंगाल इन द ईस्ट। मतलब ऑलमोस्ट फुल इंडिया, इंडिया यस, ईस्ट में भी और साउथ में भी और नॉर्थ में भी। आफ्टर शिवाजी महाराज संभाजी महाराज बिकेम द छत्रपति, एट दिस टाइम द मराठा वाज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द मुगल्स। हिस्ट्री जो है बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। चूँकि औरंगज़ेब बदमाश था, औरंगज़ेब ज़ालिम था, तो इसलिए सारे मुसलमान बदमाश हैं, सारे मुसलमान ऐसे ही होते हैं। और चूँकि शिवाजी एक हिंदू किंग था तो उसके बारे में एक अच्छी तस्वीर बन जाती है। तो बचपन से ही बच्चों को ये औरंगज़ेब एक कहानी की तरफ अड़ाया जाना चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी के दिल में नफ़रत पैदा करें। अब मैं जानती हूँ, जब मैं स्कूल में थी, मैं एक अकेली ही मुसलमान लड़की थी, और जब औरंगज़ेब के बारे में पढ़ाया जा रहा था, ऐसा मुझे लगा जैसे सारी आंखें मुझे देख रही हैं, सब मुझे ही देख रहे हैं। आई थिंक टीचर्स हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज हिस्ट्री जैसे पढ़ाते हैं तो बच्चों के दिल में नफ़रत नहीं बैठनी चाहिए। बच्चों को हमें ऐसे बताना चाहिए कि औरंगज़ेब एक बादशाह था, शिवाजी एक बादशाह था, और ना कि एक मुसलमान और एक हिंदू की लड़ाई नहीं है, हमारा जो इतिहास है वो एक इतिहास है। तो आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट किंग होगा वो हिस्ट्री बुक्स में से? हिस्ट्री बुक में से अकबर, बीरबल, उसकी स्टोरी ऊपर। एक्चुअली वो जितने भी मुसलमान किंग्स थे उन लोग के बारे में, मतलब इतना लोग लूटते थे, लोग जुल्म करते थे, तो हिस्ट्री में बहुत नफरत है मुसलमानों के खिलाफ। औरंगज़ेब पूरे
पूरे महाराष्ट्र को या पूरे इंडिया को करता था वो, लेकिन उसके थोड़े दिन बाद शिवाजी ने उसको डिफीट कर दिया। मुझे शिवाजी अच्छा लगते हैं। और जितने भी हिंदू किंग्स बताए उन लोगों का ज़्यादा ऐसा है कि देवा मतलब वेरी गुड, दे यूज टू हेल्प पीपल, बट ज़्यादातर मुस्लिम किंग्स बताए देवा वेरी क्रूअल। और शिवाजी ने भी पूरा महाराष्ट्र को एक मस्त अच्छा मैसेज भी दिया था। और मतलब उन लोग मतलब ये बारे में भी झगड़ा करते थे कि मुसलमान और हिंदू में उन लोग झगड़ा करते थे, ये उन लोग को नहीं करना चाहिए था। Ah, 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 ah.